हे गाइस, दिस इज रैंको गेमिंग एंड आज का वीडियो है ब्लैक स्वान F2P गाइड को पर। सो स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे मेरे पास लेवल 70 है फिलहाल के लिए ब्लैक स्वान। एंड यहाँ पे स्पीड है 154 एंड इफेक्ट हिट रेट यहाँ पे 120 का मेंटेन हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे अभी लाइट कॉन पे चलते हैं। लाइट कॉन में अपने पास काफ़ी F2P के ऑप्शंस है। तो यहाँ पे F2P के ऑप्शंस में एक आइज ऑफ प्रे देख सकते हो, उसके बाद बिफोर ट्यूटोरियल मिशन स्टार्ट्स, ये भी काफ़ी अच्छा लाइट गन है इवेंट वाला S5 में। एंड मेरे पास फिलहाल के लिए S4 का लाइट गन है आइज ऑफ प्रे, सो मैं अभी के लिए यही यूज़ कर रहा हूँ। एंड अगर ये दोनों नहीं है तो एक ये यूज़ कर सकते हो परमाता, ये तुमको मिनीफिश स्टोर से मिल जाएगा। सो ये भी काफ़ी अच्छा चॉइस है। तो लेट्स सी, अभी आगे चलते हैं चलो। एंड हाँ, बट एक चीज़ है, यहाँ पे तुमको लाइट कॉन में अगर इफेक्ट हिट रेट वाला लाइट कॉन मिल जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, इजीली तुम्हारा 120% इफेक्ट हिट रेट मेंटेन हो जाता है, राइट? तो यस। एंड यहाँ पे ट्रेज अभी मेरा फार्म नहीं हुआ कुछ भी, लेवल 2 देख सकते हो। ओके, रेलिक्स। तो गैस रेलिक्स में F2P प्लेयर्स क्या करेंगे, अभी F2P प्लेयर्स यहाँ पे स्विच कर लेते पहले। हाँ, F2P प्लेयर्स यहाँ पे पहले 2 पीस का अटैक दे दो। ओके, एंड यहाँ पे फिर 2 पीस सेट का विंड, राइट? जब तुम्हारा रेलिक्स फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगा, 5 स्टार का रेलिक्स ऑप्टेनेबल हो जाएगा, तो प्रिजनर इन डीप कन्फाइनमेंट के लिए फार्म करना स्टार्ट कर दो, 4 सेट बेस्ट होगा। ओके, एंड यहाँ पे मेरा स्टैक्स देख सकते हो, तुमको क्या स्टैक्स पर फोकस करना है, मोस्टली इफेक्ट हिट रेट, स्पीड, अटैक एंड इफेक्ट रेसिस्ट, ब्रेक इफेक्ट, ऐसा कुछ भी रहेगा तो वो चल जाएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो है ना, HP, HP, स्पीड, इफेक्ट हिट रेट। एंड यहाँ पे मेन चीज़ बॉडी पे तुमको एक स्पेसिफिक मेन स्टैक्स चाहिए इफेक्ट हिट रेट, तब जाके मेंटेन होगा, वरना सब स्टैक्स में मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर हो जाता है तो यहाँ पे तुम मेन स्टैक्स पे अटैक परसेंट पे जा सकते हो, अगर नहीं हो रहा है तो इफेक्ट हिट रेट पे ही जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो अटैक, अटैक एंड स्पीड, यहाँ पे मेरा स्टैक्स है सब स्टैक्स में। एंड फिट पे मैं प्रिफर करूँगा स्पीड, बिकॉज स्पीड इज़ इम्पोर्टेंट, जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ज़्यादा तुम्हारा चांस होगा और तुम अरकाना स्टैक्स दे सको। ओके, तो यहाँ पे स्पीड इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पे सब स्टैक्स में मुझे अटैक, अटैक एंड इफेक्ट हिट रेट है गुड इनफ एज ए F2P प्लेयर्स। तो या यहाँ पे गाइस प्लानर ऑर्नामेंट्स पे आ जाएंगे। एंड यहाँ पे प्लानर ऑर्नामेंट्स पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है, जैसा कि उसमें से पहला सेट होगा, इसका नाम मैं भूल जाता हूँ, ये नहीं, ये नहीं है सॉरी, हाँ ये वाला पेन कॉस्मिक कॉमर्शियल एंटरप्राइज। ओके, सो गाइस अगर जिसका इफेक्ट हिट रेट मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो ये वाला सेट डाल सकता है, जिसमें 10% इफेक्ट हिट रेट मिलेगा प्लस 25% इफेक्ट हिट रेट के बेस पे अटैक परसेंट मिल जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 25% है। तो या ये वाला एक सेट है यहाँ पे। एंड उसके अलावा यहाँ पे गाइस रोप पे तुमको जाना है अटैक परसेंट पे, फिलहाल के लिए मेरे पास एनर्जी है तो मैं इसी के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मुझे मेरा भी अभी तक प्रॉपर फार्म नहीं हुआ है, बट अभी के लिए जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे स्पीड इफेक्ट हिट रेट है, स्पीड है, तो अभी के लिए यही यूज़ कर रहा हूँ मैं। ऑलराइट, तो सेकेंड ऑप्शन तुम्हारा एक ये रहेगा परमानेंट, परमानेंट फ्रंट लाइन। तो यहाँ पे मेरा देख रहे हो कि मेरा 154 का स्पीड है, तो ऑलमोस्ट 160 हो जाएगा जब टीम में रोइन मे को मैं डाल देता हूँ, तो 18% पूरा मैं डैमेज इंक्रीज हो जाता है। तो आई प्रेफर दिस वन, बिकॉज मेरा ऑलरेडी 120% हो चुका है, तो मैंने ये वाला रेलिक सेट प्रेफर किया है इजी। ओके, देख सकते हो यहाँ पे भी है ना। तो अगर ये नहीं है गाइस
तो एक और सेट है स्पेस सेलिंग स्टेशन, सो उस पर भी जा सकते हो। अभी वो रेलिक्स मेरे पास है नहीं यहाँ पे, बट वो रेलिक्स सेट मेरे पास है नहीं यहाँ पे। ओके तो उसमें तुमको कैसा रहेगा, 120 का स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे ऐसा ही है, व्हेन द वेरियस स्पीड रिचेस 120% अटैक इंक्रीज हो जाएगा 12%। ओके पहले 12% का अटैक भी इंक्रीज होगा, उसके बाद 120 का स्पीड रहेगा तुम्हारा अबाव 12% और अटैक इंक्रीज होगा, तो वो एज ए स्टार्टर के लिए सही रहेगा, उस पर भी जा सकते हो। ऑलराइट ये हो गया यहाँ पे, एंड आइडोलेंस देख सकते हो मेरे पास 0 है। हाँ तो गाइस यहाँ पे अभी ब्लैक स्वान का बिल्ड में बता दिया, एंड ट्रेस कैसा वर्क करेगा गाइस मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे तो मैंने इसका गेम प्ले भी इसके बाद में दिखा दूंगा तुमको, चेक आउट कर सकते हो। ओके तो गाइस यहाँ पे स्टैक्स कैसे वर्क करेगा, तुमको अपना टेक्निक ऑलवेज अप्लाई करना है। ओके पहला तो अपना टेक्निक अप्लाई करने के बाद स्किल अप्लाई करो। ओके उसके बाद अपना अल्ट यूज़ करो, तो उस पर कैसा है तुम्हारा अरकाना स्टैक्स हो जाएगा। ऑलराइट एंड उसके अलावा तुम्हारा अरकाना स्टैक्स कब ट्रिगर होगा, जितना तुम्हारा डीओटी एनिमीज पे अप्लाई होगा उतना स्टैक्स भी ट्रिगर हो जाता है, एंड उतने हिसाब से डैमेज भी जाएगा। ये तुमको ऐसे लाइव बैटल में मालूम पड़ जाएगा, मैं इसके बाद इसका पूरा गेम प्ले दिखा दूंगा। उसमें मैंने वर्ल्ड 8 कंप्लीट किया है। ओके अभी जो मेरा करंट बिल्ड है इसी से मैंने कंप्लीट किया, वर्ल्ड 8 डिफिकल्टी 4 यांगपिंग का बॉस फाइट हुआ है फाइनल पे, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट 4 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो गया। बिकॉज अभी मेरा वैसे तो इतना कोई कुछ खास बिल्ड नहीं है, रेस भी मैक्स नहीं है, ऊपर का बोनस एबिलिटी भी कुछ खुला नहीं है, बट काफ़ी अच्छा डैमेज आउटपुट गया है विथ काफका एंड रोइन में, एंड टीम में बाइलू रखा है। मेरे पास अभी कोई हीलर है नहीं भाई बैनर वाला। ओके तो 5 स्टार का बाइलू मैंने यूज़ किया है। तो गाइस दैट्स इट ब्लैक स्वान के लिए, एंड टीम कंपोजिशन गाइस ऐसा रहेगा, अगर तुम्हारे पास काफका नहीं है तो टीम कंपोजिशन पे तुम ग्रिफिन को यूज़ कर सकते हो। ओके ये टीम कंपोजिशन भी यूज़ कर सकते हो एक, ठीक है। अब रोइन में भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास आई थिंक टिंगवेन तो रहेगा, राइट टिंगवेन पे जा सकते हो। ऑलराइट अगर ये भी नहीं है बाइलू, तो बाइलू में तुम्हारे पास लिनक्स तो होगा, लिनक्स पे जा सकते हो। अभी मैंने लिनक्स बिल्ड नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी नटाजा बिल्ड मेरा हो चुका था, तो उतना टाइम नहीं था मेरे पास। ब्लैक स्वान के लिए मुझे क्रेडिट सेव करना था, सो लिनक्स को मैंने बिल्ड नहीं किया। तो ये तुम्हारा टीम बन सकता है एक। ऑलराइट दो नैलिटी एक हारमोनी तुम्हारा टीम को बफ करने के लिए, एंड लिनक्स तुम्हारा हीलर। इस बेचारे की तो खैर नहीं अभी। भाई अभी 17 गया सिर्फ, वाह भाई, वो आर्कना कार्ड का कितना डैमेज गया बता? 242 242K। हाँ भाई तेरा तो अभी वो भी नहीं है भाई, अपग्रेडेड अरे नहीं। नैलिटी पे नैलिटी पार्ट के साथ ब्रोकन है यार, सच में फुल ब्रोकन है ये। This is
ओके बेसिक अटैक देना पड़ेगा यहाँ पे। अभी 40 का डैमेज गया उस पे। और को बना रहा है अभी उसका रेलिक्स नहीं है भाई मेरे पास। रेलिक्स तो फॉलोअप वाला डाल देना उसमें, वो तो होगा तेरे पास। क्लारा पे डाल रहा है फॉलोअप वाला कुत्ती है और कुत्ती भाई ठीक है लेवल 7 दे बेचारा क्या ही कर सकते। Good times, never time to say bye. Boom. Relax. I failed. Hatam.